जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन नहीं लगाते, तब तक हमें अपनी भी क्षमता का आकलन नहीं होता है। और बेटा कोई भी एग्जाम ना यार, सच्चाई से निकलेगा मेरे भाई। डायलॉग तो पूरा देश मार रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये रो रो के पूछ रहा है सर 340 सर कट ऑफ जाएगा कि 350 जाएगा, सर 360 जाएगा, ये बेवकूफ वाला काम है। परफॉर्मर इस तरह सोचता ही नहीं, उसका अपना आंकड़ा सेट है कि उसको 50 अबव ले जाना है। बेटा क्या ले जाना है, उसका एजेंडा फिक्स है। क्योंकि फिर भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ कि 360 से कुछ नहीं होना है, क्योंकि SSB का स्कोर 300, 330, 340 बनाना बहुत बड़ी बात है। और इधर जाके 360 में जोड़ भी दूंगा बेटा तो यह आंकड़ा 700 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? और जो 517वीं पोजीशन का भी कैंडिडेट आता है 400 में से, उसका भी स्कोर इस बार गया 757, 757 का स्कोर गया। तो मेरिट में कहीं से कहीं तक जगह नहीं बन रही। तो एग्जाम इसलिए थोड़ी देते हैं हम कि सर यहाँ मेरिट आउट होने के लिए बैठे हैं, हम एग्जाम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें मेरिट इन होना है। देखो मैं ऑनेस्ट बात भी एक बोलना चाहूंगा, इधर आप 60-70 भी कर रहे हो ना, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मेरे को 100% वाला आशा नहीं, 100% हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, वो बेवकूफी वाली बातें हैं। बट यू आर मेंटेनिंग 60-70% बेटा स्कोर, तो दैट्स फैंटास्टिक। क्योंकि बहुत लोग हैं बेटा जो सर्किल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ज्यादातर को कुछ बनने का जज्बा अंदर नहीं है, वो केवल टाइम पास के लिए बैठे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो खोखले लोग, उनको शर्म आनी चाहिए, तो उनके माँ बाप उनको यहाँ भरोसा करके भेजे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा टास्क में बस इतना प्लान अगर बना लिया आप लोगों ने कि सर जितना हमको पढ़ाया जा रहा है हम डेली क्या करते चलेंगे, खत्म भाई। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है और एकदम यूपीएससी पैटर्न पे, क्या यूपीएससी के एग्जाम में ही जाके महसूस करना है क्या कि यूपीएससी के एग्जाम कैसा होता है? उससे पहले भी तो किया जा सकता है, कम से कम उससे एक सीख तो मिलेगी कि आखिर पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटिवेशन वो कर सकता है डेवलप। लोग टेस्ट में ही नहीं बैठ रहे हैं, टेस्ट में बैठाने से दोनों को डर है, बच्चे को डर है मेरा सच पता चल जाएगा, टीचर को डर है कि मैं जो स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, बच्चे को एहसास हो जाएगा ये लेवल वो ना है, ये लेवल कुछ और ही है। हालत ये है सर कि एक टॉपिक को 3 महीने पढ़ाया जा रहा है, मजा बहुत आता है, मजे में कोई दिक्कत नहीं, बट क्या उस मजे से रिजल्ट आएगा बेटा? गेम तो 6 महीने का ही है, इसके अलावा कोई गेम है क्या? नहीं। तो 6 महीने में फोड़ना है बेटा तो शिद्दत के साथ। हम केवल सहयोग कर सकते हैं बेटा, सपोर्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेट इस पे जो परफॉर्म करना है ना बेटा, वो आपका ही जिम्मेदारी है यार, इस बात को महसूस करना, और कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, बस एक काम करो यार कि जितना रोज का टास्क है उसको क्या करना है आपको, डन करना। लास्ट जब इंटरेक्टिव सेशन हुआ तो उसमें भी बहुत सारी बातें हुई हमारे और आपके बीच में, जहां बहुत सारी कमिटमेंट्स दे रहे थे, बहुत सारे वादे, बहुत सारे प्रॉमिसेस, जोश बोले तो हाई कि सर बिल्कुल फोड़ देंगे। अब फोड़ने के 2 ही टास्क आते हैं मुख्यतः हर महीने आपके सामने, पहला आपका यूनिट टेस्ट जो हर महीने कंडक्ट किया जाता है, और दूसरा आपका मॉक टेस्ट जो हर महीने आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो लाजमी सी बात है कि मॉक टेस्ट का डिस्कशन अभी मैं बहुत नहीं कर सकता आपको लेके, बट क्योंकि वो 8 मई को होना है आपका, बट यूनिट टेस्ट का एक एनालिसिस मेरे सामने आ चुका है। अभी तक रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा, मिल गया, गौरव सर रिजल्ट सबको भेज देते हैं, अब रोक लगेगी कि रिजल्ट ना भेजें। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिजल्ट। जानते बेटा एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है ना यार कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यूनिट यूनिट से जो है रिजल्ट आता है। क्या आता है? एवरी यूनिट इज द आउटपुट, व्हाट एग्जैक्टली यू डिड होल मंथ। हर यूनिट टेस्ट आपका वास्तविक आउटपुट होता है कि रियल में आपने पूरा महीने क्या किया है और आपको टेक्निकली कितना कुछ बेहतर करने की जरूरत है। और मैंने तब भी पॉइंट आउट किया था कि 8 लाख में लक्ष्य कितना है, 8000 का, कितना है, और उसमें संख्या तुम्हारी पहुंचानी है, और एमकेसी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 2000 है। कितने हैं? हम 2000 टारगेट रखते हैं एनडीए के बच्चों का, और हम चाहते हैं कि वो 2000 के 2000 बच्चे अपनी जगह उन सीट्स में जाके बना लें। बट ये डायलॉग मारने से होगा क्या मेरे या आपके? नथिंग। फॉर दैट वी नीड टू डू होल मंथ रियल हार्ड वर्क, पूरे महीने पूरी शिद्दत, पूरे जज्बे और पूरे जुनून के साथ मेहनत करना होगा। और एक बात बड़ी साफ भी है कि अगर वो शिद्दत, वो जज्बा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत खतरनाक स्थिति में जाएंगी। और एक बात तो तय है यार कि आपको एफर्ट्स करने ही होंगे। आपने जो टॉपिक आज यहां पढ़ा है तो उस टॉपिक पे बेस सवाल आपको लगाने होंगे, उन सवालों को लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर सवाल आपको आएगा, इसलिए सारे सवाल सब टॉपिक वाइज बांटे गए हैं जिससे आप उनको सब टॉपिक वाइज सीरीज में करते जाएं, और अंततः जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो उसके मिसलेनियस को भी जाके अप्रोच करें जहां पर जबरदस्त प्रीवियस ईयर और मिसलेनियस का कलेक्शन आपको दिया गया है।
और ये परिचायक होगा कि अगर आप वाकई में अप्रोच कर रहे हैं तो आप डाउट काउंटर पे दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पास समस्या होगी, आपके पास डाउट्स होंगे, आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपके पास क्वेरीज होगी कि आखिर ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो मैं नहीं कर पाया। जानते हो बेटा, कॉन्सेप्ट की डेप्थ एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन नहीं लगाते, तब तक हमें अपनी भी क्षमता का आकलन नहीं होता है। और बेटा कोई भी एग्जाम ना यार, सच्चाई से निकलेगा मेरे भाई। डायलॉग तो पूरा देश मार रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, केवल डायलॉग डिलीवरी है। रियल ग्राउंड पे चीजें बहुत खोखली हैं, बट मैं आपको खोखला नहीं बनने दूंगा, मैं आपको सच से वाकिफ कराऊंगा। और मैं तुमको इसकी किसी और भावना से नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बींग अ एनडीए कॉम्पिटिटर ये बात समझा रहा हूं कि जिस तरह से हम सब ने खुद को तैयार किया, काम किया, परफेक्ट किया, वही बात मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। क्योंकि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड है, जब तक अपने ब्रेन को खींच के उस लेवल तक नहीं ले जाओगे, ये कॉम्पिटिशन केवल इमेजिनेशन के दम पे क्वालिफाई नहीं होती है। दिस कॉम्पिटिशन विल कम विद द रियलिटी, ये बहुत सच्चाई के साथ आएगी। और सच्चाई सामने निकल के आ जाती है कि व्हाट यू डिड एक्चुअली। आज इस महीने हम यूनिट टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से हम आपके मॉक टेस्ट रिपोर्ट भी लेके बैठेंगे और आपकी यूनिट टेस्ट रिपोर्ट लेके भी बैठेंगे। सारा रिपोर्ट्स हमारे सामने होएगा, इसके साथ साथ आपके फेज टू की ओआईआर रिपोर्ट्स भी लेके बैठेंगे। ओआईआर का रिजल्ट देखा आप लोगों ने, कितने लोग आ गए हो 70 नंबर के ऊपर, हाथ उठाओ, नॉट अ सिंगल। कितने लोग 70 के ऊपर स्कोर किए हो इसमें से? मैंने कहा सिंपल, नॉट अ सिंगल। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है पहले से ही। यही सच है देश का बेटा, यही सच है मेरे भाई। और प्लीज भरोसा करो इस चीज को और इस सच को ध्यान से देख लो। बाकी तो फ्रॉड और ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी तो सब बैग उठा के आते हैं, करते हैं और क्या करते हैं बेटा, चले जाते हैं। कुछ अंत निकल के आता नहीं एग्जैक्टली। बट एक प्रश्न बहुत बड़ा है दिल से कि माँ बाप ने जिस भरोसे से भेजा है इधर, क्या वाकई में उस भरोसे का एहसास है आपको? क्या जिम्मेदारी जो आपने ली है अपने कंधों पे कि मुझे सफल होना है, क्या उस चीज का एहसास है आपको? क्या वाकई में उस सच के साथ आप चल रहे हैं जिस सच को बिलीव करके आप यहां तक पहुंचे हैं? और ये सब नहीं है ना बेटा, तो गलत है यार, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ऑलरेडी दो चांस जा चुके हैं, लास्ट सितंबर भी आपका गया, अप्रैल भी आपका गया, अब आने वाला सितंबर आपके सामने है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज बेटा। और एक बात इसके साथ और खूबसूरत मैं ऐड करता हूं कि जब जागो तभी सवेरा। अगर ठान लिया बेटा, सिंपल सा टास्क है मेरे भाई, सुबह 7 बजे की आपकी क्लास होती है, 7 से 10 पढ़ा, 11:30 तक पढ़ा, 12 बजे तक पढ़ा, फिर आराम से घर पे गए, जिनको लंच बनाना है बच्चों ने लंच बनाया, लंच किया, जो हॉस्टल्स के बच्चे हैं अपना जाके लंच किए, बिल्कुल उसके बाद एक आध घंटे रेस्ट कर लो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन कम से कम 2:30-3 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और कम से कम 3 घंटे ईमानदारी के साथ, 3 से 6 आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर कम्युनिकेशन क्लासेस ज्वाइन कर रही हो तो 2:30 से 5:30 आपको कोई ना हिला सके। एक अपना टाइम स्लॉट ऐसा सेट करना आपको, फिर यहां से पहुंचो, वही 3 घंटे आपको रात में ही मैनेज करना है बेटा। इसके लिए बैठ के किसी टाइम टेबल को क्रिएट करने का पेपर पे जरूरत नहीं होगा, ये दिल में बन जाएगा। सर 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है सर, नशा है मुझे 6 आवर स्टडीज का सर, मैं फोकस्ड हूँ एकदम। और 6 घंटे में बेटा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कल की चिंता मत करो। और बीता हुआ कल तो हो गया, क्योंकि ये जो बीता वाला कल है, ये जो आने वाला कल है, दोनों का है निर्माण आज से है। तो आज का परफॉर्मेंस क्या है, यही बीते हुए कल का है, और आज का जो परफॉर्मेंस है यही आने वाले कल का भी है। क्योंकि ना बीता कल आता है ना आने वाला कल आता है, हर कल किस में बदल जाएगा, आज में। तो आज क्या किए, यही प्रश्न बड़ा है। आज की ऊर्जा, आज का टाइम आज का है, ये कल सरप्लस नहीं होगा, कल फिर वही ऊर्जा, फिर वही टाइम, यूटिलाइज कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो गड़बड़ है बेटा। और ध्यान रखना, माँ बाप को बड़ी आशाएं हैं, तुम्हारा परिवार, कोई अरबपति घर से नहीं आए हो यहाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, तो तुम्हारे परिवार की दिशा और दशा दोनों तुम्हारे हाथ में है। बींग पेरेंट्स, जितनी उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने किया और करते ही आ रहे हैं, बट ध्यान रखना आगे जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके माँ बाप का ख्याल आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रखेगा।
तो अगर इतना समझ में आता है बेटा तो टेक इट समथिंग वेरी सीरियस, और सीरियसनेस आपका रिजल्ट है, क्योंकि डायलॉग से कुछ नहीं होगा बेटा, जो रिजल्ट आएगा वही सब कुछ क्रिएट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, व्हाट रिजल्ट वी हैव टुडे, आज हमारे पास क्या रिजल्ट है। रिजल्ट एनालिसिस से पहले कुछ मोटी मोटी अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। नॉट अ सिंगल कैंडिडेट हु स्कोर 60% इन ऑल सब्जेक्ट। जी सर, टोटल देख रहे होंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट में बैठ गया होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश में बैठ चुका है, ये बैठ गया खट्टे से परफॉर्मेंस, ये एहसास कराना सर बहुत ज़रूरी है। तो नॉट अ सिंगल कैंडिडेट जो 60% इन ऑल सब्जेक्ट रहा हो, यही एनालिसिस है। और एक बात ध्यान में रख लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये रो रो के पूछना सर 340 सर कटाप जाएगा कि 350 जाएगा, सर 360 जाएगा, ये बेवकूफ वाला काम है। परफॉर्मर इस तरह सोचता ही नहीं, उसका अपना आंकड़ा सेट है कि उसको 50 एबव ले जाना है बेटा। क्या ले जाना है? उसका एजेंडा फिक्स है, क्योंकि फिर भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ कि 360 से कुछ नहीं होना है, क्योंकि एसएसबी का स्कोर 300, 330, 340 बनाना बहुत बड़ी बात है, और इधर जाके 360 में जोड़ भी दूंगा बेटा तो ये आंकड़ा 700 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? और जो 517वीं पोजीशन का भी कैंडिडेट आता है 400 में से, उसका भी स्कोर इस बार गया 757, 757 का स्कोर गया। तो मेरिट में कहीं से कहीं तक जगह नहीं बन रही, तो एग्जाम इसलिए थोड़ी देते हैं हम कि सर यहाँ मेरिट आउट होने के लिए बैठे हैं, हम एग्जाम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें मेरिट इन होना है। So your preparation is always for the in, not for the out. And this is the fact what you have. यही सच है भाई जो दिखा रहे हैं इधर, ये सच है, यही सच पूरे देश का है। तभी तो साला 8 लाख में 1% आता है, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर वो शिद्दत के साथ जितने 4 टॉपिक उसके महीने के डिसाइड है, उतना ईमानदारी के साथ वो प्रैक्टिस कर ले बैठ के ना यार, और केवल 1 घंटे 1.5 घंटे ईमानदारी से एक सब्जेक्ट पे समय दे दे, वो फोड़ के आएगा साला 80-90% उसका रिजल्ट आएगा। पर 6 घंटे की भी ईमानदारी नहीं है पढ़ाई को लेकर, और जब तक ईमानदारी नहीं बनेगी ना बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ ये अच्छा बहुत लगता होगा सुनने में, हाँ बेटा तुम कमाल कर दोगे बेटा, तुम बेटा कुछ नहीं कर देगा बेटा, जो रिजल्ट आएगा वही होएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 60% इन 3 सब्जेक्ट, एक बच्चा जो 60% इन 3 सब्जेक्ट स्कोर किया है, रोशन राजपाल। कौन है बेटा रोशन राजपाल? प्लीज खड़े हो जाएं, खड़े हो बेटा, एक बार जोरदार ताली हो जाए रोशन के लिए। रोशन आपका इंग्लिश का परफॉर्मेंस डाउन गया बेटा, क्यों? इधर हमारे पास केवल 42% आए, रेस्ट आपने मेंटेन अच्छा किया है। एक अच्छी चीज लगी बेटा सबसे अच्छा मुझे कि आपने नेगेटिव ज्यादा नहीं किए हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपका इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही आप बेटा बेहतर परफॉर्मर के तौर पे खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। बट इंग्लिश का परफॉर्मेंस ओवरऑल गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें टोटल आपने बेटा जो अटेम्प्ट किया है भैया वो 41 अटेम्प्ट किया है मेरे बच्चा, 9 आपने लेफ्ट किया, बट उसके बावजूद 14 गलतियां निकल के आ जाना है। क्या है ये रोशन, बताएं कुछ इस पे, आप छाया डालें। हाँ जी, सिली मिस्टेक सर। सिली मिस्टेक कैसे बेटा? सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन स्पॉटिंग एरर। क्यों ये सिली मिस्टेक्स क्यों हुई आपसे? सर एज वी कैन सी इन द स्पॉटिंग एरर देयर आर 4 ए बी एंड सी डी, आई वाज कंफ्यूज्ड इन द 2 पोर्शन सर। व्हाई यू बिकम कंफ्यूज्ड बेटा फॉर 2 पोर्शंस? इट्स बिकॉज़ आप रोशन बेटा लैक ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? Lack of practice, sir. You don't do lot of practice for the, especially for the common error parts. क्योंकि वो overall conceptualized चीजें हैं, sensible कोई rule पे based चीज तो आती नहीं कि हाँ rule पे है आपने कर दिया। It's all about the concept, ठीक है ना? ये concept का सारा role हो रहा है, ठीक है? Class English के teacher जो पढ़ाते हैं समझ में आती है? नहीं sir, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ extra effort चाहते हैं आप sir से? नहीं सर, बाकी डॉट काउंटर पे आके पूछ लेते हैं सर। देखिए यार कम से कम बच्चा यहाँ तो यार 60, देखो मैं ऑनेस्ट बात भी एक बोलना चाहूंगा, इधर आप 60-70 भी कर रहे हो ना, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मेरे को 100% वाला आसान नहीं, 100% हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? वो बेवकूफी वाली बातें हैं। बट यू आर मेंटेनिंग 60-70% बेटा स्कोर, तो दैट्स फैंटास्टिक। और इसका सच कहाँ पता चलेगा आपको पता है? जैसे ही आप मॉक टेस्ट का हिस्सा बनोगे, मॉक टेस्ट से सारी रियलिटी आपके निकल के क्या आएगी बेटा बाहर। आप बताएं रोशन, जैसे आपने बेटा किया ऑलमोस्ट 60% हर सब्जेक्ट में स्कोर किया मेरे भैया, क्या लगता है क्या यूएसपी आपकी रही जिस वजह से आप 60% तक मेंटेन कर पाए, बताएं कुछ? सर आई मेड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स। गुड, तो बुक की आपने प्रैक्टिस की जबरदस्त। यस सर।
क्या स्ट्रेटजी आपकी होती है रोशन, जैसे घर से जाते हैं बेटा डेली मैथ का भी टॉपिक चलता होगा, मैथ का कोई टॉपिक चलता होगा भैया तो एक दो सब टॉपिक पढ़ाए जाते होंगे, फिजिक्स का ही बच्चा चलता होगा तो एक दो सब टॉपिक पढ़ाए जाते होंगे बच्चा, तो जो सब टॉपिक पढ़ाए जाते हैं भैया उनके क्वेश्चन करते हो घर पर? जी सर। तो उसको पढ़ाने के बाद लगा लेते हैं क्वेश्चंस को, कोई नहीं फंसते? फंसते हैं सर, तो फिर आते हैं यहाँ पे डाउट तो आके पूछते हैं। किस तरह से फंसते हैं, मतलब क्या लगता है लाइक भाई कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हो चुका है, हमने पढ़ा भी पर उसके बावजूद कितने, जैसे मान लो पांच सवाल या छह सवाल हैं एक सब टॉपिक पे बेस्ड, तो पांच छह सवाल में कितने औसत सवाल फंस जाते हैं? पांच में एक फंस जाते हैं सर। एक फंस जाता है, दो फंस जाता है, तो चलो ठीक है ये तो रेशियो सही है। तो जब वो एक सॉल्व करते हैं आप आकर के सर उसको बताते हैं, तो क्या उससे एहसास होता है, कॉन्सेप्ट समझने में कुछ कमी हो गई थी या आप उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहे थे जैसा करना चाहिए, तो क्या फील होता है वहाँ? अप्रोच नहीं कर पाते उस हिसाब से, फिर उसके बाद क्लियर हो जाता है, फिर आत्मविश्वास बढ़िया होता है, फिर इस तरह करते करते बेटा आप पूरा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर जाते होंगे, फिर मिसलेनियस भी होता है लास्ट में, उसको भी बेटा प्रीवियस ईयर भी अप्रोच करते हैं तो लगा लेते हैं बेटा उसको। बस यही सच है बेटा, इसके अलावा और कुछ सच है नहीं इस दुनिया में। अगर आपने सारे अप्रोच के बाद मेरे बच्चा सवाल लगा लिया ना, और सारे सवाल लगाने का गट्स आप में आ गया, यू आर द रॉक स्टार, फिर कोई रोक के दिखाए, क्योंकि अल्टीमेट बेटा एग्जाम किसको देना है, उस एग्जाम में आए हुए सवालों को किसको सॉल्व करना है, आपको करना है। तो ये भरोसा खुद में जीतना बहुत जरूरी है। कहते ना कि योग्य बच्चे के लिए केवल इशारा काफी है, उसको इशारा मिला उसने फोड़ दिया बिल्कुल जा करके। ठीक है बच्चा, चलिए प्लीज सिट डाउन, थैंक यू वेरी मच। तीन बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो कि 60% टू सब्जेक्ट स्कोर किए हैं, तीन बच्चे जिनके नाम मैं कहना चाहूँगा, सचिन राज खड़े हो जाएं, अजीत सिंह, ऋषि सिंह करचुली जी। तीन बच्चे ऐसे हमारे रहे, अजीत सिंह, ऋषि सिंह होंगे जी, एंड सचिन राज भी रहे हैं। फिजिक्स में 58 है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में 41 है, अच्छा, लेकिन मैथ्स में 62 है, एंड हिस्ट्री पॉलिटी में मेंटेन, पॉलिटी में भी 66 है, मेंटेन किया है। चलिए, इसमें जो सबसे ज्यादा गिरावट इंग्लिश में देखने को आ रही है बच्चों की लगातार, मुझे सर ये एक एनालिसिस बहुत अहम है, इसको तुरंत वोकैबुलरी की हो जाती है जी, क्वेश्चन वोकैबुलरी की है, है ना, तो इस बार आप जैसे वोकैबुलरी के एक्स्ट्रा सेशन भी लगेंगे। कितने क्वेश्चन थे वोकैबुलरी के? 50 से कितने क्वेश्चन वोकैबुलरी के? 30 थे। तो गलती वोकैब में हुई है कि ग्रामर में? किसी का वकैब, किसी आपका किसमें हुआ बेटा गलती? वकैब में। आपका भैया, आपका बच्चा वकैब प्रॉब्लम आई आपको, तो जैसे इस महीने का वकैब तो क्लियर रहा होगा कि इस अल्फाबेट से इस अल्फाबेट तक रहा होगा, ऐसा क्लियर तो रहा होगा ना आपको? लेटर ए एंड लेटर बी, एंटानिम और सिनोनिम, मतलब लेटर ए से जितने भी आपके वकैब थी बच्चा, और लेटर बी से जितने भी वकैब थी, यूनिट 2 होने जा रहा है जी, ए से ई, अब ए से ई हो जाएगा, यूनिट 2 में थोड़ा सा लोड बढ़ेगा। तो जैसे ए और बी, ये तो क्लियर था कि हाँ ए अल्फाबेट के एंटानिम्स एंड सिनोनिम्स आएंगे और बी के आएंगे, तो क्या बेटा उसके लिए मेहनत किया था आपने, तब क्यों नहीं हुआ बच्चा? सर हमने 1, 2, 3, 300 रखा था, बट हमने 300 पीछे लास्ट से प्रिपरेशन पहले की थी, पर आप फर्स्ट से इधर गए, इधर वाला आपने रिवीजन नहीं किया, वो अफेक्ट किया। हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी सही बनानी पड़ेगी, बट बेटा वही पहले ही देखने को आ रहा है मेरे बच्चा, आपका फिजिक्स में भी जो परफॉर्मेंस हुआ है बच्चा वो गिरा है जिस तरीके से, बहरहाल इंग्लिश में परफॉर्मेंस गिरा है, फिजिक्स में भी गिरा है, इसमें क्यों गिरा बेटा आपका परफॉर्मेंस फिजिक्स में? Lack of practice, you believe that. ये lack of practice क्यों है बेटा? It's all my fault, sir. हाँ, it's very important to realize. Look, मैं आपको समझाता हूँ यार, हम लोग भी छात्र रहे हैं, हम भी पढ़ाई किया करते थे, तो मुझे बड़े honestly याद आती है कभी कभी वो बात कि planning रोज हो जाए, आज नहीं इसको कल खत्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फिर कल बीत जाए, फिर यो चलो करते करते फ्राइडे सैटरडे आए, कोई नहीं इसको मंडे को क्या करते हैं हम कवर अप कर लेते हैं, इस चक्कर में क्या हुआ बच्चा कि कभी कवर ही नहीं हुआ, वो बैकलॉग बनता गया बनता गया बनता गया। तो जिंदगी एक बड़ी सीख ही आके मिली कि रोज का काम रोज खत्म करना है, बस लाइफ का एजेंडा यही है, मतलब मेरे टाइम टेबल मुझे कभी याद ही नहीं होगा कि मैंने कोई पेपर पे टाइम टेबल जिंदगी में बनाया हो, आज तक नहीं है मेरे पास, जो भी टाइम टेबल रहा हमेशा ब्रेन में रहा और दिल में रहा, और उसने मुझे हमेशा उठा के फेंक दिया उस जगह जहां मैं जाना चाहता था, जो मैं करना चाहता था। तो टाइम टेबल का हिस्सा ही यही था बच्चा कि जितना रोज का टास्क रहता था कुछ भी करके, मतलब जब तक ना कर लें, मतलब उसके बाद मस्त मौला भी थे, ऐसा नहीं मार लेके चश्मा लगाए बैठे रहते हर समय, बट पॉइंट इज कि इतना टास्क तो फिक्स था कि आज का जितना हमने स्टडी किया है, जितना हमने पढ़ाई किया है, इसको हमको किसी भी कीमत पर खत्म करना करना है, और उसके बाद ऐसी खुशी मिलती थी अंदर से, इतना मेंटल रिलैक्सेशन मिलता था कि लगता था यार कुछ सही है, हम गलत डायरेक्शन में नहीं है।
क्योंकि बहुत लोग हैं बेटा जो सर्किल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ज्यादातर को कुछ बनने का जज्बा अंदर नहीं है, वो केवल टाइम पास के लिए बैठे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो खोखले लोग हैं, उनको सर मानी चाहिए, तो उनके माँ बाप उनको यहाँ भरोसा करके भेजे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा टास्क में बस इतना प्लान अगर बना लिया आप लोगों ने कि सर जितना हमको पढ़ाया जा रहा है हम डेली का डेली क्या करते चलेंगे, खत्म, एक दो सवाल फंसेंगे, तब आपको डाउट काउंटर का वैल्यू नजर आएगा, तब आप आएंगे अपनी सवालों को पूछेंगे और अपने आप को डेली क्या करेंगे बेटा, आप बेहतर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चा जी? आपका क्यों गड़बड़ हुआ बेटा? हाँ, इंग्लिश के नहीं हो पाए। मैंने 6 घंटा क्यों कहा पता है? क्योंकि मैं चाहता था एक एक डेढ़ घंटे सबके हिस्से में आए, बात समझ रहे हैं आप हमारी, और वही मजा भी है बेटा। हर सब्जेक्ट का वैल्यू है, इंग्लिश के 200 नंबर है, फिजिक्स का फ्री का 100 नंबर आता है, सब स्कोरिंग बोर्ड है भाई, मैथ के 60-70-80 क्वेश्चन, भाई बहुत बड़े सूरमा नहीं हो जाओगे तुम 100 क्वेश्चन लगा दिए जाके यूपीएससी में 2.5 घंटे के अंदर, ये सब फेकू चंद वाले लोग जो होते हैं वो स्टेटमेंट पास करते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन भी ऑनेस्टली जा रहे हैं सही, तो मतलब यू आर बेस्ट स्कोरर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि 200 नंबर बहुत मैटर करता है, वहां 600 है, अगर उसमें भी हमने 80-90 क्वेश्चन खींच लिए तो भी लमसम हमारा जाकर के 360 के आसपास, तो 360 वो हो जाएगा, 200 ये हो जाए, तब भी कितना पहुंच गया, 560 कितना पहुंच गया, और यहाँ नालायक परेशान है 340 में, कितने परेशान है, मतलब एक बेसिक स्कोरिंग बता रहा हूँ 70-80 की, तब सोचो 560 पहुंच जा रहा है, और भ्रम में ही तो लोग हैं, जैसे आपने भी यूनिट टेस्ट दिया तो 60% पहुंचाने में समझ में आया कि नहीं आया, यही एग्जाम का सच है, मैं आप लोगों को रियलाइज करना चाहता हूं। लोग इतने नालायक हैं कि जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है बैठते ही नहीं है उसमें, इसलिए नहीं बैठते हैं गौरव सर, कहीं सच पता चल गया तो, और तो और टीचर भी भ्रम फैलाते हैं कि टेस्ट में मत बैठना, अब यहां तो बैठाएंगे ही, हम बाहर की बात कर रहे हैं भाई, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है और एकदम यूपीएससी पैटर्न पे, क्या यूपीएससी के एग्जाम में ही जाके महसूस करना है क्या कि यूपीएससी के एग्जाम कैसा होता है, उससे पहले भी तो किया जा सकता है, कम से कम उससे एक सीख तो मिलेगी कि आखिर पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटिवेशन वो कर सकता है डेवलप। लोग टेस्ट में ही नहीं बैठ रहे, टेस्ट में बैठाने से दोनों को डर है, बच्चे को डर है मेरा सच पता चल जाएगा, टीचर को डर है कि मैं जो स्टैंडर्ड आप क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, बच्चे को एहसास हो जाएगा ये लेवल वो ना है, ये लेवल कुछ और ही है। हालत ये है सर कि एक टॉपिक को 3 महीने पढ़ाया जा रहा है, मजा बहुत आता है, मजे में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या उस मजे से रिजल्ट आएगा बेटा? गेम तो 6 महीने का ही है, इसके अलावा कोई गेम है क्या? नहीं। तो 6 महीने में फोड़ना है बेटा तो शिद्दत के साथ, आपके पास तो 6 महीने भी नहीं है, सोचो कितना दबाव है ऊपर, हमको कुछ भी करके 4 सितंबर से पहले आपके सिलेबस को 100% करना ही करना पड़ेगा, चाहे जितना हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएं जो भी लगाएं, क्योंकि हमको कवर करना है किसी भी कीमत पे बेटा। लेकिन हमारे भी अंदर का मोटिवेशन कब आएगा भैया आप बताओ? जब यहाँ कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, मजाक चल रहा है सर, और ये आपसे ही दिखेगा, हम केवल सहयोग कर सकते हैं बेटा, सपोर्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेट इस पे जो परफॉर्म करना है ना बेटा वो आपका ही जिम्मेदारी है यार, इस बात को महसूस कर लो, और कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, बस एक काम करो यार कि जितना रोज का टास्क है उसको क्या करना है आपको, डन करना, ठीक भैया? उसको तो बच्चे को माई, तुम बताओ बेटा तुम्हारा क्या गड़बड़ हुआ भैया? हाँ सचिन बोलो बच्चा, हाँ सेम चीज तुम्हारा भी उधर ही हुआ है, 59, अच्छा इसका मैथ और वो बैठा इंग्लिश, हाँ इंग्लिश को तो सर केस स्टडी का विषय हो गया है सर, नहीं तो लाइन हाजिर करिए, दिस इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट इन एनी वे, दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियस, और ये वकैब का गेम यही नहीं है, ये वकैब का गेम रियल एग्जाम में भी तो है, 30 क्वेश्चन बेटा, 120 नंबर, 60% की शेयर होल्डिंग, कितना 60% के हिस्सेदारी, केवल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ, कहीं से कमी होगा तो गड़बड़। हाँ सचिन बताएं क्यों गड़बड़ हुआ परफॉर्मेंस? मैथ एक चैप्टर नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा? घर चल गए। घर गए? क्यों घर गए थे? एग्जाम देने। किस चीज का? एनडीए फर्स्ट। यही ना है ना, तो एक दो दिन में भी तो निपटाया जा सकता है यार, सीरियस हो जाओ यार, 6 महीने भाई सिलेक्ट हो जाओगे सब लोग भाई, थोड़ा समझो जिम्मेदारी को, और क्या कर सकते हैं बताओ, आदेश करो वो करेंगे हम लोग, जान लगा देंगे अपना, आप बोलिए ना क्या चाहिए आपको, बट लगा दो यार ताकत, मिलके दोनों लोग आर पार कर देते हैं यार बैठ के, पूरा देश दहाड़ के देखता रहे बैठ के, क्या बच्चे थे और क्या फोकस था सर इनको, अपने लक्ष्य के अलावा, अपने गोल के अलावा, अपने टारगेट के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता लाइफ में, ये केवल 24 घंटे उसी में जीते हैं उसी में मरते हैं, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, वो जज्बा चाहिए सचिन, फिर देखो बेटा कैसे करके दिखाते हैं रिजल्ट को यार, और मैथ एक्स्ट्रा चाहिए और फिजिक्स एक्स्ट्रा चाहिए, बात करिए सर से, सब अलर्ट कराएंगे आपका।
समझे मैं बच्चा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा ना भैया, उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या बच्चा? नहीं है यार, समझ रहे हो बच्चियों? आपको भी एक एग्जांपल सेट करना है, और ये रिजल्ट ही सब कुछ है। हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये बात आप लोग समझिए। अभी 8 तारीख को आपका मॉक टेस्ट लगा है, क्या लगा है? वो रियल में होश में लाएगा, एहसास करा देगा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप। और ये जान लेना, यूपीएससी के नीचे का स्टैंडर्ड नहीं, उससे अब स्टैंडर्ड ही रखते हैं हम, जिससे बच्चा फील करे कि एग्जाम का वाकई में मायने क्या होता है। ठीक है सचिन, लगो बेटा, अभी गौरव सर से बात हो रही, कुछ चीजों को हम बेहतर और करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं बेटा जो सही से ज्यादा गलत कर दिए हैं। फिजिक्स में 13 लोग ऐसे हैं जो सही से ज्यादा गलत किए हैं, 12 लोग जो इंग्लिश में ऐसे हैं सही से ज्यादा गलत किए हैं, 5 लोग मैथ में ऐसे हैं जो सही से ज्यादा गलत किए हैं। बेटा जीएस में 7 लोग हैं मेरे बच्चा जो सही से ज्यादा गलत किए हैं। ऐसे काम चलेगा यार, ये ईमानदारी है भाई। फौजी बनने जा रहे हो बेटा, अगर इसी स्टेज पे ईमानदार नहीं हम होंगे तो क्या हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, आप बताइए। और हमारे संस्कार तो पहले यही है ना बेटा कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमें गलत नहीं करना है, हमें जो करना है सही करना है वरना नहीं करना है। हाँ, बट नहीं करने का मतलब ये नहीं परमानेंट नहीं करना है, उसको एहसास करना है क्या कि क्यों नहीं कर पाए, और मेहनत करके अगली बार उसको हमको बेहतर करना है। ये आपको समझ के बहुत ध्यान से चलना है। कुछ बच्चे ऐसे जैसे सोनू कुमार का एक एनालिसिस हम निकालना चाहेंगे। सोनू कुमार कहाँ है सर? ये रहा सोनू कुमार कौन सा किया है? सोनू कुमार का 16% नहीं, इसमें नहीं इम्पोर्ट, एक चीज ने कमाल किया है। ये बताओ सोनू, खड़े हो जाओ भाई, तुमसे भी मिलना है मुझे, कहाँ करना लायक है ये? 5 सर सही किया है, 20 छोड़ा है हिस्ट्री पॉलिटी में। सोनू आए? सोनू कुमार माइक दीजिए भाई, ये हमारे लिए विचित्र प्राणी है, इनको स्पेशली ढूंढ के निकाला गया। ये बबताओ तुम कि केवल बच्चा 5 क्वेश्चन किए, 20 छोड़ दिए पूरी ईमानदारी के साथ, ये साहस कहां से आया तुमको? गलत एक भी नहीं किया। नहीं, इसीलिए तो पकड़े हैं सर इसको कि वाकई में ईमानदार एक नालायक है। हाँ सर, मैंने नहीं पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट मेरा 1 मंथ हुआ था, पूरा कवर नहीं कर पाए थे। yes, तो ये कैसे आत्मविश्वास अंदर कैसे जागृति है? नहीं, जो है वो सही करेंगे, बाकी 20 छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो साथ, क्योंकि तुम इतनी ईमानदारी बाकी में तो नहीं दिखाए हो यार, जितना इधर ईमानदारी दिखाए हो। अगला मंथ से अच्छा प्रश्न, अच्छा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार जिले में कौन से जिले से हैं? औरंगाबाद से हैं। बड़ा ईमानदार बच्चा है, ताली मारो इसके लिए। ये कमाल करेगा, अभी नहीं तो कमाल जरूर करेगा बैठ करके। चलिए, बाकी बहुत सारे एनालिसिस हैं, गौरव सर आपके साथ एनालिसिस में बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं यार मेरे को आने की वजह दो। फर्स्ट यूनिट में कंपनी की तरफ से मजबूरी है आना, बट सेकंड यूनिट में तभी आऊंगा जब मुझे इधर 60 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? देखो कितनी छोटी डिमांड है मेरी, मैं ज्यादा भी नहीं मांग रहा हूं। कितना मांग रहा हूं? केवल मैंने किसी से कहा उससे ज्यादा, क्योंकि अगर ये 6 महीने 60 मेंटेन हो गया तो मुझसे किसी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो बैठ करके उस बच्चे को। बहरहाल 50 ही मेंटेन हो जाए कोई नहीं रोक सकता है, बट मैं मोटा मोटा आंकड़ा क्या रखता हूँ? 60। अगर इतना रख लिया तो मेरा रॉक स्टार है, फिर उसको तो फाइनली पुणे खड़क वासला पहुंचना, उसको तो रुकना ही नहीं किसी एंगल से। बट ये सच्चाई हर महीने की मेंटेन करनी होगी बेटा, तभी कुछ होएगा। और ये रिजल्ट्स आपके सामने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस होंगे। इस बार तो केवल आप यूनिट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अगली बार से हम मॉक टेस्ट भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बेटा? तो वहां भी बहुत बड़ा सच निकल के बाहर आएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो जज्बा मेंटेन करो, ठीक है।